हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप कोई भी व्रत में खाइए, चाहे वो नवरात्रि हो या एकादशी या तो शिवरात्रि। साबूदाना खिचड़ी के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है साबूदाना, ग्रेट किया हुआ आलू, सेंधा नमक, जीरा, किशमिश, नींबू, कड़ी पत्ता, अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, देसी घी और कुछ भुना हुआ मूंगफली का दाना। तो सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई ले लिया है, उसमें हम देसी घी डालेंगे। घी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में डालनी चाहिए जिससे साबूदाना अच्छे से भून सके। सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को हल्का सा हम चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें पतली पतली कटी हुई अदरक डालेंगे। तो ये 1 इंच अदरक है जिसे हमने पतला पतला काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। अब हम इसे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। साथ में हम कड़ी पत्ता डालेंगे। ध्यान रहे कड़ी पत्ता आप लास्ट में डालिएगा, नहीं तो घी के छींटे आने लगते हैं। आप देख सकते हैं हल्का सा अपना मिर्च अदरक भून चुका है। अब यहाँ पे हम ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा आलू को हमने पील करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। यहाँ पे कोई कोई उबला हुआ आलू डालता है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ आलू डाला है, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आलू को हमने अच्छे से भून मिक्स किया है। अब हम ढक के इसे कुछ मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं अपनी आलू पक चुकी है, क्योंकि ये ग्रेटेड आलू है तो पकने में टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम फूला हुआ साबूदाना डालेंगे। तो साबूदाना फुलाने की विधि आपको बता दे रहे हैं। 2 से 3 घंटे पहले साबूदाना को अच्छे से धो के और हल्का सा पानी में इसे ढक के रख दीजिए। 2-3 घंटे बाद अपनी साबूदाना अच्छे से फूल जाती है। वही साबूदाना हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे हम भुना हुआ मूंगफली भी डाल लेंगे और साथ में हमने जो किशमिश लिया था उसे भी डाल लेंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में हम कवर करके इसे कुछ मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे आलू के साथ साबूदाना अपना अच्छे से पक जाए। ध्यान रहे हम बीच बीच में चलाते हुए पकाए हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी साबूदाना आलू के साथ अच्छे से पक चुकी है। ये सारे प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम पे करना है। सबसे लास्ट में हम नमक डालेंगे। तो आपको पता है उपवास में सेंधा नमक यूज होता है और हम फ्रेश धनिया पत्ता डाले हैं। साथ में हम कुछ यहाँ नींबू का रस डाल लेंगे, इससे अपनी खिचड़ी में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आने लगता है। जहाँ पे धनिया पत्ता हो, नींबू का रस हो, उसमें तो स्वाद आना ही है। तो चलिए हम अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया उपवास के लिए साबूदाना खिचड़ी बनाना कितना आसान है। खाने में तो ये टेस्टी होता ही है। आप जब व्रत रखना हो उससे 2 घंटा पहले साबूदाना को भिंगा दीजिए, पानी से निकाल के आप फटाफट इस खिचड़ी को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये साबूदाना की खिचड़ी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, ध्यान रहे आप अपना कमेंट लिखते हैं तो हमें रेसिपी बनाने में मज़ा आता है।